विश्व रक्तदान दिवस पर जागरूकता रैली निकालकर लोगों को रक्तदान के महत्व से रूबरू कराया गया। नाज हॉस्पिटल, नाज ब्लड बैंक, रोटरी इलाहाबाद अकेडेमिया, मैक्स चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल के समस्त डॉक्टर, नर्स, स्टाफ व ब्लड डोनेशन कर इतिहास रचने वाली संस्थाओं व सदस्यों ने रैली के माध्यम से जन जागरूकता अभियान में प्रतिभाग किया। करेली रिद्धि सिद्धि चौराहा, पहलवान चौराहा, मुस्तफा गार्डन के पास रोटरी के सदस्यों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया। नाटक देखो, सब कोई आओ, नाटक देखो, दौड़ के आओ, नाटक देखो, भाग के आओ, नाटक देखो, देखो देखो, नाटक देखो, आओ आओ, नाटक देखो, आओ आओ, नाटक देखो, चले आओ, चले आओ, चले आओ भैया, ना लगेगा पैसा, ना लगेगा रुपया, ना लगेगा पैसा, ना लगेगा रुपया। डॉक्टर नाज फातिमा ने कहा, ब्लड मानव शरीर में जीवन का संचार करने वाला तरल पदार्थ है। एक यूनिट ब्लड से कुल 3 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। कहा, रक्तदान को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हैं, जिसके कारण लोग रक्तदान करने से कतराते हैं, लेकिन वो ये जान ले कि रक्तदान करने से हृदय घात की संभावना कम होती है। रक्तदान से खून का थक्का नहीं जमता, रक्तदाता का खून रक्तदान करने के पश्चात कुछ मात्रा में पतला हो जाता है, जिससे हृदय घात का खतरा कम हो जाता है। शरीर में ऑक्सीजन ठीक ढंग से सप्लाई होने लगती है। रक्तदान आपके वजन को कम करने में भी सहायक होता है, इसलिए लोग रक्तदान करने को जागरूक हो, इसी को ध्यान में रखते हुए आज विश्व रक्तदान दिवस पर करेली के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को रैली के माध्यम से जागरूक किया गया। डॉक्टर विश्वदीप केसरवानी ने कहा, 18 वर्ष आयु से 65 वर्षीय कोई भी पुरुष या महिला रक्तदान कर सकती है। रक्तदान करना सबसे बड़ा महादान कहलाता है, और जो ब्लड डोनेट करते हैं उन्हें लोग सम्मान भी देते हैं। रैली में 35 वर्षों रक्तदान करने और अनेकों शिविरों के माध्यम से लोगों जीवनदान देने वाले शाहिद अस्करी ने रैली में शामिल होकर जनमानस को रक्तदान के महत्व और रक्तदान करने से कतराने वालों को जागरूक किया और रक्तदान करने के प्रति मोटिवेट किया। आज का कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है जागरूकता इस बात की कि रक्तदान का क्या महत्व है। रक्तदान तो हमारे रोटरी की तरफ से और बहुत सारे संस्थाओं की एनजीओ की तरफ से रोज होता है, हर महीने होता है, पूरा साल होता है, लेकिन मुश्किल ये होती है कि इसकी जागरूकता, इसकी अवेयरनेस लोगों को नहीं मालूम है। स्पेशली हम लोग इसको आज जो रैली निकाल रहे हैं, कार रैली, वो उसका मेन उद्देश्य है कि इसके बारे में हम लोग जागरूकता उत्पन्न करना चाहते हैं कि ये लोग जाने कि रक्तदान ज़रूरी है और रक्तदान करना कितना महत्वपूर्ण है। और ख़ास करके हम लोग जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, उसको हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिसमें कि हम लोग रोज, हर बार, हर महीने एक ही कुछ कोई गुने चुने लोग होते हैं जो रक्तदान करते हैं, वो चीज़ ना रहे और उनके शरीर का, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान करते हुए हम लोग चाहते हैं कि हर एक बार नए नए लोग आके रक्तदान करें। उसी की जागरूकता के लिए हम लोग ये रोटरी क्लब की तरफ से और रोटरी क्लब एकेडमिया की तरफ से हम लोग डिस्ट्रिक्ट ये मंडल 3120 मंडल में ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लब है एकेडमिया, उसके इन लोग का बहुत ज़्यादा रक्तदान वगैरह करते हैं लोग। तो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक उद्देश्य है जिसको उन्होंने किया है और ये हम लोग को अच्छा लगा कि ये रक्तदान तो बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन हम लोग अवेयरनेस नहीं कर पा रहे हैं, उसका ही ये मेन। सर, एक तरफ आप जागरूकता रैली निकाल कर लोग संगठन है जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब कुछ लोग जो हैं उन संस्थान से ब्लड की डिमांड करते हैं तो उनको समय पर रक्त नहीं मिल पाता है, इस पर आप क्या कहेंगे और क्या विचार है? इसका एक नियम है, वो नियम वाली से चढ़ेंगे तो जरूर मिलेगा। जैसे हम लोग जहाँ पर भी जो ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी हम लोग रक्तदान करते हैं वो हमको उसका वहाँ से कार्ड्स देते हैं, 20 कार्ड 25 कार्ड, जितना रक्तदान हम लोग करते हैं जितने यूनिट्स उतनी कार्ड्स हम लोग को मिलती है। तो अगर हम लोग रोटरी के कोई भी जो यहाँ पर मेंबर सदस्य हैं उसको अगर कांटेक्ट करें और बता दें कि कहाँ रक्त की ज़रूरत है, कौन सी ग्रुप की ज़रूरत है, वो कार्ड हम लोग दे देंगे। अगर आप लोग डायरेक्ट कोई चला जाएगा वहाँ पर ब्लड बैंक में तो उनको ब्लड नहीं मिलेगा, ये बात बिल्कुल सही है। वो कार्ड लेके जाएगा तो ज़रूर मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका परिचय? अपना परिचय, मैं प्रदीप मुखर्जी हूँ। मैं प्रोफेशनली तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ लेकिन मैं इस संस्था